सिमरिया तहसील प्रांगण में विगत 5 दिनों से क्रमिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरने पर भारी संख्या में लोग एकत्र होकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं। अधिवक्ताओं से लेकर जनप्रतिनिधि आम व्यक्ति दोनों अधिकारियों की तानाशाही का विरोध करते हुए इन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। 5वें दिन भारी संख्या में महिलाएं पहुंची और प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। आपको बता दें कि तहसील में पदस्थ SDM नीलमणि अग्निहोत्री और नायब तहसीलदार अनुपम पांडे पर तानाशाही का आरोप लगाया जा रहा है, जिन्हें सिमरिया से हटाने की मांग की जा रही है। दोनों अधिकारियों पर स्थानीय समाज सेवियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि राजनैतिक संरक्षण प्राप्त SDM को सिमरिया से हटाने में कलेक्टर को पसीना आ रहा है। वहीं जनता की मांग को ठुकराते हुए वरिष्ठ अधिकारी अपनी तानाशाही पर अड़े हुए हैं। दूर दूर से आए हुए हमारी माताएं बहने किसान भाइयों, जैसे तौर से सिमरिया तहसील में इतना बड़ा अन्याय और अत्याचार हो रहा है, ये मुझे बहुत पहले से इसकी सूचना मिला करती थी कि जो हमारे यहाँ के SDM है वो यहाँ की जनता की खून चूस रहा है। वो पक्ष से भी बात करता है, लेन देन की विपक्ष से भी बात करता है लेन देन की, ऐसी सूचनाएं बहुत पहले से आ रही थी। ये आंसन जो चालू किया गया इसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ और साथ ही ये बताना चाहता हूँ आप सबको कि निश्चित तौर से यहाँ की सिमरिया की जनता के लिए बहुत आवश्यक काम था। आप सब भाई की बात करें जिन्होंने इसकी रूपरेखा बनाई, उसका विरोध प्रदर्शन शुरू किया, चाहे जो चाहे तहसीलदार हो चाहे तमाम विभाग के लोग हो, उनके द्वारा जिस तरह से अत्याचार अन्याय किया जा रहा है निश्चित तौर से उसका विरोध करने की आवश्यकता है। ये जमुना प्रशासन की का क्षेत्र है, उनका कार्यस्थल है, कर्म क्षेत्र है, वो जो अक्सर से हम जाने जाते थे, आंदोलन प्रदर्शन से जाने जाते थे, उस समय ज्यादातर जन जन भावना में आंदोलन प्रदर्शन है, ये मैं जानता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ। आप ऐसे प्रश्न है निश्चित तौर से बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आप सब तमाम सारे लोग आए हैं प्रशासनिक व्यवस्था के विरोध में, उसका समर्थन करने की आवश्यकता है। आप जब जाइए अपने यहाँ सबसे बात करिए, बोलिए कि जिस तरह से हम लोगों को पैसे होंगे अगेरी बाकी हो और याद करके सहयोग से जनता में चाहे मत हो गए तो नाली में जाके गिरी और सामान गिर गया, जो चोर खड़े उसे लगे थे वो भाग गए। जब ड्राइवर के पास गांव के लोग चोर चोर गए तो उन्होंने कहा जाओ क्या हो गया, अरे कहीं गए थे बिजली की तार खिंचवाने के लिए, जगह ठेक काम चल रहा था, क्या बताए गाड़ी गड़बड़ हो गई। उन लोगों ने सोचा कि काम करता है इसलिए चोरी की तार, तो उसने तार हाथे से खींच खींच के गाड़ी से निकाल दिया। अब जब यहाँ के जनता लोगों ने देखा सुना, यहाँ के लोगों ने कुछ फोन किया था, तो राजा पुलिस वाली आए और उसको गाड़ी को और तार को लेकर जब्त कर दिया। उन्होंने यहाँ सवरिया थाने को सूचित किया, सवरिया थाने के कुछ लोग सिपाही एकाधु गए और एक हाथ कर्मचारी गए वहाँ से तार लेके चले आए, ड्राइवर था अस्पताल में एडमिट है। अब यहाँ का थाना प्रभारी बिजली विभाग के अधिकारी गए लिख करके कि हमारी कार इतनी कौन की चोरी गई जिसमें चार प्रसाद रही थी, वहां गाड़ी खड़ी है तार बड़ी। तो थाना प्रभारी क्या कहता, नहीं इस प्रकार से नहीं लिख रहा है, इस प्रकार से हमें फायदा नहीं करेंगे, हम जो बताते तो उसने लिख के दिया है कि इस प्रकार से लिखो। अज्ञात लोगों अज्ञात लोगों ने तार काट दिया, ये लिख करके थाना प्रभारी देता है। देखा इस प्रकार संरक्षण चलता है यहाँ के, इसलिए आप इसको भी लोग